गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक एमईटी वन सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के गति के संबंध में नियम। तो देखते हैं कि न्यूटन के गति के नियम क्या क्या चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो न्यूटन ने गति के संबंध में तीन नियम बताए हैं, जिसमें से जो पहला नियम है ये हमारा लॉ ऑफ इनर्सिया या जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो ये लॉ ऑफ इनर्सिया या जड़त्व का नियम ये क्या बताता है? ये बताता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में यानी रुकी हुई है, इफ एन ऑब्जेक्ट इड इन स्टेशनरी पोजीशन, विराम की अवस्था में है या एक समान गति से चल रही है, आर मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड, तो देन देयर विल बी नो चेंज इन इट्स पोजीशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अर्थात यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक समान गति की अवस्था में है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक इस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे एक बॉल है और ये बॉल रुकी हुई है यानी इसका वी जीरो है, या ये दूसरी बॉल है जो एक वेलोसिटी वी बराबर ए मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो ये दोनों इसी कंडीशन में बनी रहेंगी यानी ये रुकी रहेगी और ये अपने इसी रफ्तार से चलती रहेगी जब तक कि हम इस पर एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाई कर दें। अगर इसमें अप्लाई कर देंगे तो ये गति स्टार्ट कर देगी। उसी तरह से अगर इसमें फोर्स इस डायरेक्शन से अप्लाई कर दिया गया तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये न्यूटन का पहला नियम या जड़त्व का नियम कहलाता है। इसका एक एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है कि इन ए मूविंग ट्रेन, यदि हम मूविंग ट्रेन में हैं और क्या होगा, पैसेंजर इनसाइड द कोच लीन फॉरवर्ड एट द इंस्टेंट ऑफ ब्रेकिंग। यानी एक ट्रेन में जब यात्री सफ़र कर रहे होते हैं तो वो लीन फॉरवर्ड यानी आगे झुकते हैं एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग, यानी ब्रेक लग जब लगता है तो उस समय वो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट में यानी इस वाली अवस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, तो
तो उसी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अब इसी तरह से जो यहाँ पर है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का गति का दूसरा नियम, तो ये गति का दूसरा नियम कहता है कि इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया गया है, देन एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यानी किसी वस्तु पर यदि हमने बल लगाया है तो बल लगाए, जैसे वस्तु ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स लगाया और इस वस्तु का द्रव्यमान यानी मास m है और इस पे एक्सीलरेशन a उत्पन्न होता है, तो जो फोर्स है वो एक्सीलरेशन के समानुपाती होगा। तो इसी फार्मूले को आगे सिद्ध करने पे f इक्वल्स टू एम ए, यानी लगाया गया बल उसके मास और एक्सीलरेशन के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे यदि पूछा जाए इफ ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 kg मास, व्हाट इज द एक्सीलरेशन। यानी अगर यहाँ पर जो बल है एक्सटर्नल फोर्स वो 100 न्यूटन का अप्लाई किया गया है और यहाँ मास जो ऑब्जेक्ट का मास है वो 20 kg है, तो इस वाले रिलेशन को अगर देखें तो a बराबर एफ वन एम, यानी 100 डिवाइडेड बाई 20, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये उसमें उत्पन्न त्वरण होगा। और इसी फॉर्मूले को अगर हम और आगे देखें तो ये F बराबर M और A यानी एक्सीलरेशन, ये हम पहले से जानते हैं, A बराबर होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, वेग परिवर्तन की दर को एक्सीलरेशन कहते हैं। तो ये F बराबर, अगर हम डेल्टा को बाहर कर दें, M V अपॉन डेल्टा T। एम मास है जो कि कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द मोशन, जब तक कि वेलोसिटी यानी वी वो सी यानी लाइट की स्पीड से काफ़ी छोटी है, वेरी लेस देन सी, तो मास कांस्टेंट रहेगा। यानी इस केस में एफ बराबर हुआ डेल्टा एम वी अपॉन डेल्टा टी, और एम वी जो है ये कहलाता है मोमेंटम, जिसे हिंदी में संवेग कहते हैं। तो यानी एफ बराबर डेल्टा एम वी की जगह पी अपॉन डेल्टा टी। तो यानी इससे एक चीज और सिद्ध हुई कि द फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ
मूवमेंट मोमेंटम यानी कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें देखी कि F इक्वल्स टू ma और F इक्वल्स टू डेल्टा p बाई डेल्टा t। तो ये दो रिलेशन जो है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकल कर आते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं जो नेक्स्ट है हमारा वो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसको एक्शन रिएक्शन पेयर भी कहते हैं। ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी कहलाता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू ईच एक्शन यानी प्रत्येक क्रिया की बराबर यानी इक्वल और अपोजिट यानी विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो इसका एग्जांपल कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस है, और इधर एक नाव है बोट। तो इस नाव में जो व्यक्ति सवार है यहाँ पर ये नाव में सवार व्यक्ति जब ये नाव में सवार व्यक्ति यहाँ से बाहर कूदता है यानी ग्राउंड पर कूदता है तो नाव पानी में इस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है। तो ये एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। उसी तरह से यदि ये मान लीजिए कोई राइफल है, कोई बंदूक है, और इस राइफल से एक बुलेट जो है वो बाहर जाती है, इस डायरेक्शन में एक बुलेट जाती है, अगर ये इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन कि 1 kg की राइफल है जिससे कि एक बुलेट फायर होती है, 200 ग्राम की बुलेट है जो कि फायर की गई है और उसकी स्पीड है 500 मीटर प्रति सेकंड। 500 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बुलेट फायर की गई। तो ये बुलेट इस डायरेक्शन में गई तो ये गन जो है वापस लौटेगी। तो अब ये किस रफ्तार से इधर लौटेगी, यानी यहाँ पर जो ये बुलेट इस गन को छोड़ के बाहर इधर गई इतना ही
जितना इधर एक्शन हुआ है उसका सेम इतना ही इधर रिएक्शन होगा, यानी इस केस में जो बुलेट का मास यानी 200 ग्राम और बुलेट की रफ्तार यानी 500 मीटर प्रति सेकंड, तो ग्राम को यहाँ नीचे 1000 से डिवाइड कर दिए किलोग्राम में, और ये बराबर हो जाएगा राइफल का मास यानी 1 kg और राइफल की रफ्तार यानी वी डैश। तो इस तरह से यहाँ हम वी डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो 50 × 100 यानी 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से राइफल जो है वो रिवर्ट बैक होगी। तो इस तरह से हमने देखा न्यूटन के गति के 3 नियम, तो न्यूटन के हमने गति के 3 नियम देखे जो कि इनर्सिया का नियम, दूसरा फोर्स बराबर ma या यही था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और तीसरा नियम था एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। थैंक यू।